तो इधर अमेठी में एक महिला न्यायिक यास लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। मामला पांडेगंज तेंदुआ थाना शुक्ल बाजार का है। यहां पर पीड़ित महिला ने बताया कि दुष्कर्म के मुकदमे से जमानत पर छूटा अपराधी लगातार उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में आरोपी ने पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। तब शिकायत पर इस हैवान को जेल भेज दिया गया। इधर जमानत पर रिहा होने के बाद से सुलह करने के दबाव बना रहा है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि जब उसकी मांग नहीं मानी गई उसने जानलेवा हमला किया। मामला यही है कि हमें साथी का कहा थे 24 तारीख का अगस्त में हमें साथी दुष्कर्म की है के बाद में लोग जेल गए। उसके बाद में आए के छोटे 12 तारीख का छत पर आए के हमला किए। पुलिस के पास गए कोनो सुनवाई नहीं गए। कहाँ कुछ करें तो फिर बताई हुए के बाद 16 तारीख का घर में कूद के खूब मारी नमका बेल्टे से लातन मुकन वहाँ आँखी सूजी रही कस के 3 दिन में पानी नहीं गवा मुँह का। वही के बाद में हमारा मेडिकल भवा आए के शाम कर राकेश तिवारी के ऊपर गोली मार दी। गोली मारी कट्टा लिए रहे कारतूस नीचे गिर के कारतूस मिली कारतूस का थाने में जमा भाई कोनो कार्रवाई नहीं भाई कहीं कुछ करे तो बताई। वही के बाद में काल बब्बन तिवारी फिर शाम का मारी राम गोपाल बब्बन तिवारी ऐसे भाई मिले हैं श्रवण यादव लोग मिले हैं इनका कहा सुला लगो ने तुमका जान से मार देवे हम बाहर निकले।